अभी हम आ गए हैं चार मूर्ति, सामने देख सकते हैं चार मूर्ति, और गौर सिटी के अंदर में पड़ता है, काफ़ी विकसित शहर चार मूर्ति। यहाँ से विजयनगर जाने का रास्ता, गाजियाबाद जाने का रास्ता एकदम शॉर्टकट पड़ता है। संस्कृति ग्रीन्स, आज हम आए हैं संस्कृति ग्रीन्स जो सोनपुरा में है, सोनपुरा ग्रेटर नोएडा। और राकेश भाई अपने प्लॉट पे आए हैं, आज से करीब 3 महीने पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लॉट ही प्लॉट था। और अब सामने देखिए एक मकान तैयार हो गया है, एक मकान तैयार हो रहा है, हाँ उनके प्लॉट में चलते हैं। आप कई बार ये वीडियो देख चुके हो इस तरह के, बहुत पहले मैं भी वीडियो बना के डालता था। आप पहले की अपेक्षा वो बढ़िया जगह है, आगे इस कंपनी ने जो संस्कृति गिन है, आगे वो जो देख रहे हैं पहले पूरा बाउंड्री था, तोड़ के आगे एक और खेत लेकर प्लॉटिंग कर दिए हैं, उसमें आपको प्लॉट मिल सकता है। ये है आपके राकेश भाई का 50 गज, और ये कमलेश भाई का देखिए ये 50 गज है, और यहाँ पे एक गधा भी है। गधा है नहीं, गधे के साथ गधा नहीं है। अरे मर जाएगा यार, ये छोड़ छोड़ छोड़, मस्ती नहीं मस्ती नहीं। देखो भाई, अरे यार छोटा गधा है, गधे का बच्चा है वो, मर जाएगा। देखो नहीं नहीं, मजबूत गधा है, मजबूत गधा नहीं है, गधे पे बैठा जो है वो मजबूत है। चलिए यहाँ देखिए सारे प्लॉट भी यहाँ के बिक गए हैं। आगे वाला जो वो दिखाते हैं आपको, मकान के बाद जो बाउंड्री तोड़ के खेत लेकर प्लॉटिंग हुई है उसमें आपको मिल जाएगा, और सारी व्यवस्था से लैस है। देख सकते हैं ये सीवर है, सीवर यानी आपको बाहर गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, सीवर में सारा पानी जाएगा। और देखिए ये है, ये खेत लेकर नया प्लॉटिंग हो रहा है, यहाँ आपको प्लॉट मिल जाएगा, आप संपर्क करिए हमारे नंबर पे। और देख सकते हैं ये मात्र 50 गज से भी छोटा मकान है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा बनाया गया है। हाँ एक लॉक कर दिया है, 40 गज है शायद। चल सोनपुरा ग्रेटर नोएडा, ये जो कंपनी है संस्कृति गिन, ये सारे लाइसेंस ले लिया है, रेरा रजिस्टर्ड है, और ये बिल्डर हैं जो ये कर रहे हैं, ये बिल्डर हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं। तो किसी तरह का फ्रॉड, किसी तरह की बेईमानी, किसी तरह का ऊंच नीच या कोई बात से मुकरने वाली बात यहाँ पे नहीं होती है, जो कही जाती है जो वही दिया जाता है, साफ साफ बोला जाता है साफ साफ। और आधा पैसा दे के आप रजिस्ट्री करवा के बाकी पैसा आप किस्त में यहाँ भर सकते हैं। तो रहने लायक आसपास जो बाज़ार है, सोनपुरा का मार्केट है आगे यहाँ। और अब इनका देखो, राकेश भाई को भी खुशी और हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इनका छोटा कॉलोनी था, बहुत बड़ा कॉलोनी हो गया, आगे फ्यूचर में यहाँ और सारे काम ये बढ़िया से कर पाएंगे। तो आपको भी ऐसा लेकर छोड़ना हो या इन्वेस्ट करना हो तो बहुत बढ़िया जगह सोनपुरा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा। एक मूर्ति चार मूर्ति के बारे में, आप बहुत बड़ा फेमस जगह है वो, गौर सिटी के नाम से जाना जाता है, गौर सिटी, हाँ। तो वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक विकसित क्षेत्र है, आप भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटा प्लॉट भी मिल जाएगा, बड़ा भी मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से। हाँ देखो ये 50 गज का सीवर का ढक्कन देख रहे हैं, पूरा सीवर बिछा हुआ है, ये अपने भी बनाया है अपने लिए, हर कोई अपना इंतज़ाम करके चलता है, बाउंड्री के अंदर है। और आगे दिखाएंगे गेट पे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का रूम भी है, मतलब जो भी फैसिलिटी होती है कॉलोनी के लिए बेहतर वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो बाहर निकलते हुए ये गार्ड रूम है, और बड़ा सा गेट है, 24 फुट का चौड़ा रास्ता ये आता है मेन, कितना गहरा है कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सीवर का सारा जो बाथरूम का सीवर होता है ये टोटल सभी के लिए बहुत गहरा है, करीबन 20-25 फुट गहरा है। और आपको बाहर निकल के दिखाते हैं कि तो हम बाहर आ गए हैं, बाहर देखिए गाड़ी हमारी खड़ी है, इधर गेट है, और इसी बाउंड्री के अंदर है प्लॉट। ये राकेश भाई आ रहे हैं, और राकेश भाई कितने में लिए थे, क्या रेट था उस समय? 14 में लिए थे, इस समय 16-17 का रेट जा रहा है, जितना आप गोलगप्पे से कमा के नहीं रखे हुए
उतना आपको ज़मीन कमवा के रख देगी, बस वो ज़मीन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो ये रोड जो है दादरी जाती है सीधा, ये 40 फुट का चौड़ा रोड है, अभी बना केवल 20-25 फुट है, बाकी ये जगह खाली पड़ी है, इसे चौड़ीकरण आगे होगा। और इधर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो सोनपुरा मार्केट, ग्रेटर नोएडा, आपका उधर रोजा जलालपुर, सादुल्लापुर, बैदपुरा, ये क्षेत्र उधर लगते हैं, और इधर आपका दादरी आता है। बीच में ये सारा माहौल तैयार हो रहा है, ये जो नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, यहाँ पूरा दुकान वगैरह बन रही है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, दिखाता हूँ जूम करके, ये सब मार्केट बन रहा है इधर। तो आप भी पैसे यहाँ इन्वेस्ट करके आप पैसे को डबल कर सकते हैं 5-7 साल में, और एक अच्छा जगह पैसे डालने से फ़ायदा ये है कि आपका फ्यूचर ठीक जाएगा और पैसा आपका डूबेगा नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूत है और काफ़ी चीज़ें बना के स्वयं दे रही है, रोड, सड़क, बिजली, नाली, ये चीज़ें रेडी करके दे रही है। आपको भी विचार करना चाहिए। हम लोग साथ में आए हैं, हाँ तो चलो भी ठंडा वंडा पीते हैं। देखो हम आई गए सोनपुरा मार्केट, यही मार्केट है फ्यूचर का, फ्यूचर में बढ़िया मार्केट बने, अभी साप्ताहिक बाज़ार यहाँ लागत है, और वहाँ वाले प्लॉट से मात्र 1 किलोमीटर ज़्यादा ज़्यादा बन 900 मीटर शादी के हाल वह देवा गेट हाउस, हाँ का खातिन के गेट हाउस पार्टी लॉन, हाँ मैरिज, ये अनिल के प्लॉट पे चलेगा। तो फिर हम पचे यहाँ से बाएँ न मुड़ के दाएँ मुड़े, ताकि इनका छोटका भाई मेडिकल स्टोर, समोसा मोसा सब मिल जाए। हाँ सादुल्लापुर का फेवरेट समोसा कई बार खाए हैं, काफ़ी बढ़िया लगा है, इस बार आज आए जब तो हमसे फिर से खा लेते हैं राकेश भाई के साथ। राकेश भाई बताओ स्वाद कैसे बा? अच्छा बा, सादुल्लापुर में पिछली बार भी खाए थे स्वादिष्ट था, इस बार भी स्वादिष्ट थी, चटनी उनका बहुत धासु है। जब सादुल्लापुर आए तो जरूर खाएं, सादुल्लापुर ग्रेटर नोएडा। देख सकते हैं सामने आएगा अब एक मूर्ति, इतना चौड़ा रोड है, सर्विस रोड है, फिर बीच में पार्क है, फिर ये 3 लाइन का ये रोड देख सकते हैं सामने। तो ये रोड जो है परी चौक से आ रहा है, जो यमुना एक्सप्रेस वे उससे टच है ये रोड, और हम अभी जा रहे हैं 1 मूर्ति और 4 मूर्ति प्लॉट से हम लौटे हुए हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ का नज़ारा है। तो ऐसे शहरों में अगर आप बुक करते हैं अपना प्लॉट तो फ्यूचर के लिए कितना बेहतर होगा, आपके बच्चों के लिए, और आपके पैसे किस तरह से बढ़िया जगह इन्वेस्ट होते हैं, यही जानकारी देना था। अभी 4 मूर्ति 1 मूर्ति का नज़ारा आपको दिखाते हैं बिना बोले। Hey, 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 hey.
सुन ले।